डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट स्केल के बारे में। इस वीडियो में हम नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से पहले बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की, और टॉपिक को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जितने भी स्केल है आप इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना इनके नामों को, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड्स है वो कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, एग्जाम के अंदर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। देखिए लेट्स स्टार्ट विद ईजिएस्ट वन टू अंडरस्टैंड। नॉमिनल स्केल आर यूज टू लेबलिंग वेरिएबल, यानी कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को लेबल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। नॉमिनल स्केल कुड सिंपली बी कॉल्ड लेबल, नॉमिनल स्केल को हम लेबल भी पुकार सकते हैं। और ए गुड वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज दैट नॉमिनल साउंड इज लाइक नेम, यानी कि नॉमिनल स्केल को हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसका ये देखिए नॉमिनल और नेम दोनों के दोनों की साउंड जो है वो मिल रही है। तो जहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को नाम दें, किसी कैटेगरी बनाए, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, नॉमिनल स्केल होगा। और यहाँ पे आपको हिंदी में समझाने के लिए एक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसा कि आपने काफ़ी बार स्केल देखा होगा, सर्वे आप करते हैं और अमेजोन वगैरह पे हम फीडबैक फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो उसमें आपको ये लिखा हुआ आता है जैसे कि व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल और फीमेल। जब भी हम ईमेल वगैरह क्रिएट करते तो वहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा नॉमिनल स्केल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बता रखा है एम मीन्स मेल, एफ मीन्स फीमेल हो गया। और आगे हम बात करें जैसे व्हाट इज योर हेयर कलर, एक नंबर पे है ब्राउन, दो पे है ब्लैक, तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सभी कैटेगरी बनाई हुई है एग्जैक्ट नेम के साथ। तो जहाँ पे हमें किसी चीज़ का लेवल दिया हुआ हो वहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल स्केल होगा। और इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी करने वाले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लाइव मॉक टेस्ट में, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं। जैसा कि इसमें भी दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, ए ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट लुक एट वेरिएबल वेयर द ऑर्डर मैटर्स बट द डिफरेंस डज नॉट मैटर। यानी कि इसके अंदर ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक ऑर्डर होता है, लेकिन ऑर्डर के अंदर कितना डिफरेंस है वो नहीं पता होता, लेकिन बस हमें केवल इतना पता होता है कि उनके अंदर ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर कितना अंतर है वो नहीं पता होता। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे ये देखिए हाउ डू यू फील टूडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, वेरी हैप्पी, सॉरी वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक ऑर्डर डिफाइन किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके अंदर अंतर कितना है। जैसे कि हम बात करें नंबर एक पे इन्होंने दिया कि वेरी अनहैप्पी, नंबर दो पे दिया है कि अनहैप्पी, अब इन दोनों के अंदर ये नहीं पता कि कितना अंतर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल कहेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर कितना डिफरेंस होता है ये हमें नहीं पता। और ऐसे ही आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत से सर्वे देखे होंगे जिनके अंदर इस तरह का फॉर्मेट यूज होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विस, आप हमारी सर्विस से कितने खुश हैं। और ऐसे भी देखे होंगे जैसे नंबर एक पे है वेरी अनसेटिस्फाइड और समवट अनसेटिस्फाइड, नेचुरल, इस तरह के जो स्केल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं।
और इस तरह की इसमें दोस्तों यह आमतौर पर गैर संख्यात्मक यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं की जाती, यहाँ पे क्वालिटी की बात की जाती है, जैसे कि संतोष, खुशी, असुविधा आदि के बारे में यहाँ पे सर्वे वगैरह किया जाता है। इसको भी आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर यानी कि ओ ओ मिल रहा है, जहाँ पे ऑर्डर की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल यूज होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है इंटरवल स्केल। अब इसमें भी दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे इंटरवल की बात हो, जहाँ पे अंतराल की बात हो, वहाँ पे क्या होगा, इंटरवल स्केल होगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में हमने दोनों में यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। अंतराल तराजू संख्यात्मक तराजू है, जिसमें हम ऑर्डर और वैल्यू के बीच स्टिक अंतर दोनों जानते हैं। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये संख्यात्मक है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना। ये इसमें क्या है, क्वांटिटी की बात चल रही है, ऊपर वाले में क्या था, क्वालिटी की बात चल रही थी। इसके अंदर संख्यात्मक तराजू है ये, और इसके अंदर एक इंटरवल होता है और एक एग्जैक्ट इंटरवल होता है। लेकिन ऑर्डर वाले में क्या था दोस्तों, इसके अंदर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था हमें कि कितना बीच में अंतर है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल स्केल के अंदर हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। और इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा थर्मामीटर होता है, इसके अंदर हम टेम्परेचर मापते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे शायद फॉन्ट छोटे इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, 10, 20, 30, ये तो जैसे माइनस में है, ऊपर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि यहाँ पे हर इंटरवल के अंदर कितना है दोस्तों, 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि उनके अंदर कितना डिफरेंस है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, और दूसरों की तरह आप इस अंतराल पैमाने के प्रमुख बिंदुओं को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है दोस्तों, इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होती है, और इसका हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास रेशो स्केल। अब देखिए रेशो स्केल आता है, और देखिए रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, अनुपात स्केल, उच्चतम स्तर का स्केल है ये, क्या है दोस्तों, एक हाईएस्ट लेवल स्केल माना जाता है इसको, रेशो स्केल को। आप इसको याद रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन आ सकता है, और इनमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, और आगे की जो हमारी लाइव वीडियो होगी, लाइव मॉक टेस्ट, उसमें हम आपको दिखाएंगे 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक किस तरह से इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अनुपात स्केल उच्चतम स्तर का पैमाना है, जो शोधकर्ता को वस्तुओं को वर्गीकृत या पहचानने, वस्तुओं को रैंक ऑर्डर करने और अंतराल या अंतर की तुलना करने की अनुमति देता है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर जैसे ये हमारा एक तराजू होता है, ये डिजिटल तराजू होता है, इसके अंदर क्या है कि हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है किसी चीज़ की। दो चीज़ लेके आते हैं, जैसे मान के चलिए दो सेब लेके आए हम, दो सेबों का अंतर, पहले एक सेब तोला हमने कितना है उसका वेट, फिर दूसरा, और फिर उन दोनों के बीच में हम अंतर पता कर सकते हैं कि कितना अंतर उनके अंदर है, और उनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास सेब है और अलग अलग चीज़ें, तो उनका हम इंटरवल भी बना सकते हैं, भाई 1 से लेकर 10 सेब का जो वेट है इतना है, 10 से लेके 20 का इतना है। तो और एक चीज इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस स्केल के अंदर पीछे के जितने भी स्केल हमने किए, उन सभी के गुण इसके अंदर होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अनुपात पैमाने में नाम मात्र, क्रमिक और अंतराल, यानी कि जो हमने नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ये तीनों की क्वालिटी रेशो स्केल के अंदर होती है, ये चीज़ आप याद रखना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और इसके अंदर एक एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाती है, इसके अंदर हम एब्सोल्यूट जीरो भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, रुकिए, हाँ जी ये रहा, इट आल्सो पॉजिज ए ट्रू जीरो पॉइंट और ए ओरिजिन करेक्टरिस्टिक विद ए जीरो पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ द स्केल वैल्यू। इसके अंदर ट्रू जीरो वैल्यू की बात की जाती है यहाँ पे। और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये दिया दोस्तों, स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे चार्ट दिया गया है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। अगर वो ये पूछ लिया जाए, इंटरवल स्केल की बात कर ले, तो इंटरवल स्केल के अंदर क्या है दोस्तों, इंटरवल स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल भी आएगा और ऑर्डिनल स्केल भी
आएगा, दोनों के करेक्टरिस्टिक इसके अंदर होंगे। ठीक है, रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल के अंदर क्या होगा, लेवल भी होगा और इसके अंदर मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा और मेजरमेंट डिफरेंस भी होगा, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होगी, लेकिन ट्रू जीरो वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी इंटरवल के अंदर। इसी तरीके से ऑर्डर की बात पूछ ली जाए, ऑर्डिनल स्केल की बात पूछ ली जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, लेवल होगा और इसके अंदर मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा, ये दो चीज़ इसके अंदर होगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पीछे के जितने भी स्केल हैं उन सभी की क्वालिटी इन स्केल के अंदर आती जाएगी। और आगे हम जैसे लास्ट में रेशो स्केल की बात करें, तो रेशो स्केल के अंदर ये पीछे के जितने भी स्केल हैं उन सभी की क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टाइप ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट स्केल। और नेक्स्ट वीडियो में हम और स्केल करेंगे, जैसे हमारे गुडमैन स्केल हो गया और सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल हो गया, तो काफ़ी तरह के स्केल, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम अपनी लाइव वीडियो में करेंगे, तो आप लाइव वीडियो ज़रूर देखना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आज तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।